शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्ते, दीप ज्योतिर नमस्ते। राज्यपाल मनोज सिन्हा जी को हार्दिक धन्यवाद। सभागार में उपस्थित सभी श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, देश के विभिन्न हिस्सों से तथा जम्मू कश्मीर के सभी सम्मानित कविगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्र सेवा के इस महत्वपूर्ण आयोजन में अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को गौरवान्वित करने वाले सभी सम्मानित कवियों और साहित्य प्रेमियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। जम्मू कश्मीर तथा देश के अलग अलग हिस्सों से आए अनेक प्रतिभावान हिंदी कवि आज इस मंच पर अपने अस्तित्व के रंगों को बिखेरेंगे। मैं जम्मू कश्मीर की इस पवित्र धरती पर सभी महान प्रतिभावान हस्तियों का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। मेरे लिए इस उत्सव में सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि जल्द से जल्द आपका स्वागत सत्कार करके मंच से मैं विदा हो जाऊं और मंच कवियों को सौंप दूं, क्योंकि कवि सम्मेलन में अगर मंच और माइक कवि के हाथ में न हो तो स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है। ताकि किसी प्रहार से तो बचने की आदत हमारी हो गई है, लेकिन कवि के प्रहार से बचना और निकलना ये बड़ा दुष्कर कार्य है। इसलिए संक्षेप में ही मैं चंद बातें करके आपसे विदा लूंगा और जिस कार्यक्रम के लिए आप आए उसका आप आनंद लें, मैं समझता हूँ आप भी यही चाहते होंगे। मुझे लगता है कवि सिर्फ सृजनकर्ता रचनाकार ही नहीं है, बल्कि कवि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों का रक्षक भी है। सदियों से देश में अगर सामाजिक चेतना ने अपने परम शिखर को छुआ है तो उसके पीछे जो प्राण शक्ति थी वह कवि ही थे, कलाकार ही थे और लेखक थे। हर एक पीढ़ी को ये समझने की आवश्यकता है कि कवि छंदों, तुकबंदी, शब्दों से खेलने वाले केवल बाजीगर नहीं है। कवि तो शब्दों का इस्तेमाल करके समाज में नित नए प्राण डालने का काम करता है। कवि तो शब्दों का सहारा लेकर समाज को आईना भी दिखाता है और जरूरत पड़ने पर वही कवि समाज को परिवर्तन की प्रेरणा भी देता है। सही मायने में कवि एक ऐसा क्रांतिकारी है जो राष्ट्र की परंपरा का पोषण करते हुए समाज के सभी वर्गों को आपस में जोड़ता है, बिखरे हुई शक्तियों को इकट्ठा करता है और भाषाओं की भिन्नता के बावजूद एक भाव से इस संसार के अनमोल तथ्यों को उद्घाटित करने का काम भी करता है। कवि तो एक माली है जो अपने शब्दों को समाज की जमीन में बोता है और नए चित्त की फसल काटकर उसे वापस समाज को ही सौंप देता है। कवि तो एक संत की तरह है जो ज्ञान की सीमा को असीमित बनाने के लिए अपने जीवंत अनुभव साझा करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। कवि तो एक नदी की तरह है जो हर वक्त एक सतत यात्रा पर रहता है और यात्रा की उन अनुभूतियों की झलक हम उसकी कविता में महसूस कर सकते हैं। मैं इस कवि सम्मेलन में आए सभी कवियों को नमस्कार करता हूँ। वह शब्दों को गढ़ रहे हैं, स्वर के तालों को कस रहे हैं और साहित्य की साधना द्वारा इस महान राष्ट्र की समृद्ध संस्कृति को नवीनता भी प्रदान कर रहे हैं। एक खंडहर के हृदय से उपेन्द्र जियापई के लिए, एक खंडहर के हृदय से एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर भूमि ही सही गाती तो है, आदमी की पीर भूमि ही सही गाती तो है, एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। निर्वसन मैदान में लेटी हुई है जो नदी,
निर्वसन मैदान में लेती हुई है जो नदी, पत्थरों से कोट में जाके बतियाती तो है। यह कहना भी उचित होगा कि समय और परिवर्तन के बावजूद जो कविता का भाव है उसकी शुद्धता भी हमारे कवियों ने बना कर रखी है, और इसलिए मैं मानता हूं कि कवि वास्तव में समाज का प्राण है। पूरी शुद्धता साक्षी भाव से प्रत्येक क्षण घटित हो रही घटना को देखने उसकी आंख समाज के संतुलित विकास के लिए बड़ी आवश्यक है। हर एक सदी हर एक दशक में जितना विज्ञान जरूरी है उतना ही साहित्य भी आवश्यक है। अगर तर्कों के हिसाब से देखा जाए तो विज्ञान से कहीं ज्यादा और असीमित क्षमता साहित्य की होती है। तर्क कहता है कि विज्ञान में दो किनारे हैं, एक ज्ञात है और दूसरा अज्ञात है। विज्ञान का लक्ष्य है कि आज जो अज्ञात है उसे कल जाना जा सके, लेकिन साहित्य उससे भी बहुत आगे है। वो उन घटनाओं को भी देखता है जो रहस्यपूर्ण है, और तब तक रहस्य ही बना रहता है जब तक कोई रहस्यदर्शी न मिले। इसलिए प्राचीन समय से इस बात की चर्चा रही है कि संतों ऋषि मुनियों की साधना की तरह लेखकों कवियों की साहित्य की साधना रहस्यों को उद्घाटित करती रही तथा विकास एवं प्रगति की प्रक्रिया को नई ऊर्जा भी प्रदान करती रही। इसलिए मैं ये भी मानता हूँ जो लोग नीत निर्माण और विकास के अन्य कार्यों से सीधे जुड़े हुए हैं और कभी कभी कवियों की संगत कर लेते हैं तो उन्हें भी सद्बुद्धि आ जाती है। कवियों कलाकारों से एक सबसे बड़ी चीज जो आप सीख सकते हैं वह धैर्य है, और उसकी कमी हम लोगों में बहुत रहती है, जल्दबाजी में हम लोग बहुत रहते हैं। कवि बहुत धीरज वाला व्यक्ति होता है, कविता को उतरने में समय लगता है, और कवि बड़े धैर्य से उसकी राह भी देखता है। नागार्जुन ने बड़े हक से अपनी कविता में कभी कहा था, नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें, मेरी भी आभा है इसमें। और इसलिए कहा जाता है कि कवि का असली मूल्य उसका आत्मधन है, उसका धैर्य है और उसके सकारात्मक विचार है। यादें जाना भी अजब रूहे फजा आती है, यादें जाना भी अजब रूहे फजा आती है। कौन सा वाक्य के लिए, सांस लेता हूं तो जन्नत की हवा आती है। नहीं मालूम, नहीं मालूम वो खुद है कि मोहब्बत उनकी, नहीं मालूम वो खुद है कि मोहब्बत उनकी, पास ही से कोई बेताब सदा आती है, पास ही से कोई बेताब सदा आती है। कवि की कोशिश होती है कि मुक्त भाव से समाज में उन आदर्शों और मूल्यों को पहुंचाया जाए। ऋग्वेद में भी लिखा है कि हम सभी ओर से आने वाले महान और अच्छे विचारों को ग्रहण करें। विकसित भारत की यात्रा परंपरा की खूबियों को बनाए रखने की बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी कवियों लेखकों साहित्यकारों तथा कलाकारों की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने ज्ञान और अनुभव को वह देश का भविष्य संवारने में लगाएंगे तथा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदारी भी निभाएंगे। अंत में चार पंक्तियाँ कहूँगा फिर आपसे विदा लूँगा। मेरे नदीम मेरे हम सफर उदास न हो, मेरे नदीम मेरे हम सफर उदास न हो, कठिन सही तेरी मंजिल मगर उदास न हो। कदम कदम पे चट्टाने खड़ी रही लेकिन, कदम कदम पे चट्टाने खड़ी रही लेकिन, जो चल निकले हैं दरिया तो फिर नहीं रुके। हवाएं कितनी भी टकराएं आंधियां बनकर मगर घटाओं के परचम कभी नहीं झुकते, मगर घटाओं के परचम कभी नहीं झुकते। हर एक तलाश के रास्ते में मुश्किलें हैं मगर, हर एक तलाश के रास्ते में मुश्किलें हैं मगर, हर एक तलाश मुरादों के रंग लाती है, हर एक तलाश मुरादों के रंग लाती है। हजारों चांद सितारों का खून होता है, हजारों चांद सितारों का खून होता है, तब एक सुबह फिजाओं में मुस्कुराती है।
क्या बात है। मेरे मोदी मेरे हम सफर उदास न हो, कठिन सही तेरी मंजिल मगर उदास न हो। काफी समय ले लिया मैंने उपन्यास, मौका बापू को मिलने तो मैं कहे कि मैं भी करूँ। नहीं, मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ और यहाँ जो लोग बैठे उन्हें एक सूचना देनी है। वैसे तो इसकी जानकारी संस्कृति विभाग ने और अकेडमी ने दी है। 25 तारीख को डोगरी का भी एक कवि सम्मेलन गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पहली बार जब होंगे, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक बार मैं दिनकर जी को मैंने अपनी आंख से देखा था और मैं दिनकर का बड़ा भारी फैन, दिनकर की लगभग हर किताब मैंने पढ़ी। तो कवि सम्मेलन में आए थे, कवि सम्मेलन नहीं आए थे, किसी कॉलेज के वार्षिकोत्सव में आए थे। तो मैं विद्यार्थी था स्कूल का, तो उनकी कविता मैंने सुनी थी, उसकी चंद पंक्तियां करके मैं खत्म करूंगा। और नाक से ही वो बोलते थे मुझसे, लगता है कि 4-5 इंच बड़े थे, सफेद पूरी तरह से धोती कुर्ता और लगता है वर्ण उनका हम लोगों से भी ज्यादा साफ था। तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय की वो कविता थी, उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है हिमालय के प्रति, और उन्होंने लिखा कि मेरे नरपति मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विराट, साहस के पुंजी भूत ज्वाल, मेरे गणपति मेरे विशाल, किन द्रौपदियों के बाल खुले, किन किन कलियों का अंत हुआ, हृदय खोल चित्तौड़ कहाँ, कितने दिन ज्वाल वसंत हुआ, पूछे हिमपत सिकता कण से तेरा वह राजस्थान कहाँ, वरवर स्वतंत्रता दीप दिए फिरने वाला बलवान कहाँ, रे पूछ अवध से राम कहाँ। तो आप लोगों का भाव भक्त हो जाएगा, पैसा हमको मिलने लगा इसलिए मैं भूल करता हूँ। और अंतिम 4 पंक्तियां खत्म करता हूँ, मुझे वो पूरी कविता भी याद है, उनकी कई किताबें भी याद। कहे शंकर से याद करे वे प्रदर्शन के फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का महोच्चार, ले अंगड़ाई हिल उठे धरा कर सहे लाठ हुंकार भरे, फट जाए गुहा भागे प्रमाद। और अंतिम भी बोलने जाने दी, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक चिपुर जाड़े की रात बिताते हैं, युवती के लज्जा वसन में जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक तब तेल फुलेलों में पानी सा द्रव्य बहाते हैं, पानी सा द्रव्य। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।